शहर के प्रभाग क्रमांक 33 के निवासी कई सालों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। कई बार शिकायत करने पर भी इनकी गुहार कोई नहीं सुन रहा था। प्रभाग क्रमांक 33 के पूर्व पार्षद योगेश गुड्डू तिवारी द्वारा कई बार समस्याओं से OCW के अधिकारियों को अवगत किया गया, लेकिन कुछ दिन के लिए समस्या हल भी हुई, जिसके बाद फिर से परिसर वासियों को उसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी जानकारी गुड्डू तिवारी द्वारा दी गई है। परिसर के नागरिकों का कहना है कि बीते कई सालों से हमें पानी की समस्या का सामना कई सालों से करना पड़ रहा है। जल्द से जल्द पानी की समस्या हल होनी चाहिए। हम फिलहाल प्रभाग क्रमांक 33 में है। चंदन नगर का ये इलाका है। यहाँ कई दिनों से पानी की समस्या यहाँ के नागरिकों को सता रही है। OCW के अधिकारियों को कई बार इन्होंने अपील की है, लेकिन उसके बाद भी समस्या जस की तरह से। हमारे साथ यहाँ के कुछ नागरिक हैं, उनसे जानते हैं कि क्या समस्या है, क्या बताओगे। देखिए, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस में योगेश भैया तिवारी के साथ में हूँ। और बीच में क्या हुआ, 2017 तक अच्छा पानी आता था, पानी की कोई कमी नहीं रहती थी। लेकिन मेरे घर में खुद के, मैं इतने सामाजिक कार्यकर्ता रहने के बावजूद, लोगों के लिए काम करने के बावजूद, मेरे घर में 7 साल हो रहे पानी नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने बोरिंग खुदवाई, बोरिंग का वापर कर रहे हम लोग। पानी एक थेम भी नहीं आता, लेकिन उन लोग आते, एक बूंद भी नहीं आता, लेकिन उन लोग आते हैं, एवरेज बिल लेकर चले जाते हैं। और मैं भर रही नहीं हूँ, क्योंकि पानी मैं वापरती नहीं, यूज करती नहीं हूँ, तो मैं भरूँ कहाँ से। लेकिन उनको इतना ये नहीं, मैं बार बार बोल चुकी हूँ कि आप आइए और चेक करिए कि मेरे यहाँ पानी क्यों नहीं आ रहा, खुदवा के देखिए क्या है प्रॉब्लम। तो वो आते ही नहीं, देखते नहीं, और बिल पे बिल भेजते वो जानते। दूसरे की समस्या, वो धुपकाले में भी बहुत समस्या थी लोगों को। गर्दोर जो प्रेग्नेंट लेडीज रहती, वो धुपकाले में बोरिंग से पानी निकाल कर ले जा रही थी। तो इस चीज़ के लिए कुछ बार गुडवे ऐसे भी मेरा झगड़ा हुआ कि लोगों को पानी क्यों नहीं मिल रहा बरोबर। तो हमारा भी कुछ पानी के लिए होता है ये चीज़, लेकिन वही समस्या बार बार आती है। तो समझना चाहिए कि OCW में कोई प्रॉब्लम है, उनके अधिकारों में कोई प्रॉब्लम है, जो उन लोग नहीं कर पाते हैं, लोगों को समस्या होती है। और पानी की बहुत दिक्कत है यहाँ पे। क्या बताओगे, आपके यहाँ नल आता है? नहीं आता, आधा घंटा आ जाता है, बाकी आता है नहीं। तो हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 नहीं तो 3 तास, 2 घंटे तो फिलहाल देना जरूरी है। बहुत ही दिक्कत जा रही पानी के लिए। हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं, यार जो फैमिली हमारी, तो हेडपम्प में आ जाते, जो गुड्डू भैया के सामने, ऑफिस के सामने हेडपम्प है, वहाँ पानी के लिए आना पड़ता। तो बहुत मुसीबत हो रही, तो पानी आना बहुत ज़रूरी है। अभी बिल ले जाते हैं तो बहुत बिल ले जा रहे हैं, तो पानी भी देना ज़रूरी है वो लोगों को। ऐसा होना नहीं चाहिए अभी। हमारे साथ OCW के अधिकारी हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ जो समस्या है वो कब तक हल हो पाएगी। चलिए मेरे साथ। पिछले कई सालों से पानी की समस्या PTS कोटा, चंदन नगर, हनुमान नगर, उस कुछ रेशिमबाग का पार्ट से, इस पार्ट में बहुत समस्या पानी की होती थी। यहाँ OCW के अधिकारी को हम लोग ने कंटिन्यू कंप्लेंट किया। पहले तो 5-6 घंटे अच्छा पानी मिलता था 2012 तक, 12 से 17 तक, 18-19 में पानी अच्छा था, लेकिन 18 के बाद जो पानी की समस्या यहाँ हुई, कि पिछले साल भी हम लोग ने बहुत बड़ा एक आंदोलन किया था। आंदोलन करने के बाद जब OCW वाले आए, तो इन्होंने कोई 2 वाल डाइवर्ट कर दिया था कहीं हमारे एरिया से, और कहीं डाइवर्ट कर दिया था। तो वो वाल को उन्होंने ओपन किया, 1-2 महीना पानी मिला, उसके बाद पानी की समस्या फिर से जैसी थी वैसी है। आज तक पानी की समस्या है कि 10 मिनट या 15 मिनट पानी आता है और उसके बाद बंद हो जाता है। ऐसा लगता है छोटा बच्चा सुसू करा, इस टाइप का पानी आता है, बिल्कुल बारीक धार होती है। तो तकलीफ बहुत है। मैंने 250 क्वार्टर हमारे है, और एक क्वार्टर में 4-4 3-3 फैमिलियाँ, मैंने लेबर क्लास कॉलोनी थी, तो यहाँ 3-3 4-4 भाई एक साथ रहते हुए, जॉइंट फैमिली का रिवाज आज भी यहाँ देखने मिलता है। तो यहाँ समस्या बहुत है पानी की, 15 मिनट पानी आता है। उसके बाद इन लोग ने OCW, खास करके OCW टैंकर वालों को फायदा मिले, इसलिए उनकी समस्या दूर नहीं करना चाहते OCW वाले। अधिकारी आए, उन्होंने देखा तो क्या बोला? आज जब सवेरे, जब मैं कल एक्चुअली बेंगलोर था, बेंगलोर से जब सवेरे आया था, मेरे ऑफिस में कम से 250-300 लेडीज और जेंट्स मिले हुए आके बैठे हुए थे कि पानी की समस्या थी, पानी की समस्या है करके। मैंने फिर बैनर्जी मैडम से बात की, बैनर्जी मैडम ने मिस्टर गिरी करके यहाँ जो OCW वाले, उनको बुलाया, बताया, उन्होंने मुझसे बात की कि हम शाम को आते हैं। अब आपके सामने समस्या दिख रही है कि आने के बाद भी समस्या कैसी है और पानी कैसा आ रहा है। उसके बाद जहाँ यहाँ जो पानी सप्लाई, एक्चुअली हमारे टैंकी से जो पानी आता है, टैंकर वाला जो देता है, वो तो ऐसा लगता है अपने बाप के घर से पानी दे रहा है ना। उससे जब टैंकर के लिए फ़ोन करो तो नंबर भेजो, हमारे ऑफिसर को फ़ोन करो, इसको फ़ोन करो, तब तुम्हारे यहाँ भेजूंगा, नहीं तो नहीं भेजूंगा। ये इतनी इतनी समस्या हो गई। और एक टैंकर में 5-7 लोगों को पानी देता है, और मेरे ख्याल से, मेरी जो राय है कि वो 4-5 जो टैंकर को एक टैंकर से पानी दे, और 5-6 ट्रिप की स्लिप बना लेता है।
मेरे समझ, मेरे को ऐसा लगता है कि पांच लोगों जो पानी दे रहा है पांच लोगों की ट्रिपो बनाता है। अरे उसमें घोटाला है, घोटाला समय ऐसा समय है कि एक घोटाला होता है कि एक ट्रिप भेजना पांच ट्रिप की स्लिप बनाना। देखिए अभी तो अभी जाँच चालू है, जाँच चालू करके अभी ऑफिस में इनको लेके बैठेंगे क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद अपनी समस्या क्या बताते हैं, हमारी क्या समस्या, उसके बाद हम लोग देखें क्या बोलते। तो मेरा नाम गुणवंत माने है, मैं चंदन नगर क्वार्टर के सामने जो रो है वहाँ मेरा मकान है। तो समस्या यह है कि मेरा कहना यह है कि जब 24/7 आपकी जब OCW की स्कीम है तो आप ये वाल खोलने वाला और बंद करने वाला प्रकार क्या है ये? आप लाइन खुली रखो, जिसको जैसा लगेगा दो गुंडी तीन गुंडी जैसा लगेगा पानी लेंगे, लोग स्टोर भी करके नहीं रखेंगे, उसका पानी का अपव्यय भी नहीं होगा। और जैसा लोग कैसा है कि फोर्स नहीं रहने के वजह से OCW वालों का कहना है कि आप मशीन लगाते, लोग कोई पागल नहीं ना कि मीटर के पानी के भी पैसे देंगे और इलेक्ट्रिक के भी पैसे देंगे, दोनों भूर्दंड सहन नहीं करेंगे ना। अगर फोर्स से अगर पानी आता है तो लोग उनको जैसा लगेगा, अगर लोगों को ये शाश्वती हो कि पानी 24 घंटा अपने पास अवेलेबल है तो लोग दो गुंडी तीन गुंडी जैसा जैसा लगेगा वैसा वैसा पानी वापरेंगे और अपनी समस्या को दूर करेंगे। मांग हमारी यही नहीं, पानी कैसा है कि पानी अभी आधा या पौन घंटा कट टू कट आता है, 4:30 बोलते लेकिन 4:45 पानी चालू होता है और 9:29:30 में पानी बंद हो जाता है। आप चालू करने बंद करते समय बरोबर कट टू टाइम से अगर वाल खोलते और ये करते हैं तो ये प्रकार ही नहीं होना ना। पानी अगर पाइपलाइन में रहा उसको जब लगेगा तब वो पानी लेगा, अपना उपयोग करेगा। इस दौरान मुआयना करने आए OCW के अधिकारियों ने परिसर के नल कनेक्शन का जायजा लिया और कुछ टेक्निकल समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन दिया गया। हमारे साथ OCW के अधिकारी गिरी है, उनसे हम जानते हैं कि सर क्या बताओगे, यहाँ के जो नागरिक है बहुत दिनों से पानी की समस्या को लेकर परेशान है, ये समस्या कब तक हल हो पाएगी? आज आपने मुआयना भी किया है, इस परिसर का क्या बताओगे? मुआयना करने के बाद ऐसे ध्यान में आया है कि यहाँ पे कुछ पुरानी लाइन है और जो नई लाइन डाली है, दोनों तीनों लाइन को एक साथ पानी चल रहा है। तो पुराने लाइन में नीचे के लाइन में प्रेशर है उसमें पानी आ रहा है, उसके और ऊपर के लाइन में पानी नहीं आ रहा है। तो उसमें जो हमको इंटर आंतर जोड़नी वगैरह जो इंटर कनेक्शन है वो चेक करके हम उसको प्रॉपर सप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा गुड्डू भौती हरी जी ने हमको हमेशा मार्गदर्शन दिया है और अभी भी एरिया में बताया कुछ उन्होंने, जिस तरह से हमको एरिया में सर्वे करके अभी जानकारी दी है, तो सब पॉइंट हम चेक करके वो उनको पानी सप्लाई जल्द से जल्द इंश्योर करने की कोशिश करेंगे। बीते 7 सालों से यहाँ के जो नागरिक है ये समस्या से जूझ रहे हैं, तो बीते 7 सालों से ऐसा क्या हुआ कि OCW से यहाँ पे कुछ समस्या हल नहीं की गई है? पहले कैसा मैडम, यहाँ पे मिक्सअप सप्लाई चलता था, सब जैसा अपन कमांड एरिया वाइज काम करते हैं, जैसा हम एक कमांड एरिया में यानी एक टाकी से एक जो भाग चलाते उसको कमांड एरिया बोलते, तो उसको आइसोलेट करके हम काम यानी वहाँ पे पानी सप्लाई प्रॉपर इंश्योर करते हैं। पहले मिक्स सप्लाई चलने के वजह से कहीं पे अच्छा पानी मिलता था कहीं पे ज़्यादा, यहाँ पे पहले अच्छा पानी मिलता था, अब ये कैसा है कमांड एरिया वाइज हम काम कर रहे हैं तो कुछ कमांड एरिया में इम्प्रूव हुए, यहाँ का पानी थोड़ा सा कम हुआ है, तो ये हम इसका भी पानी स्तर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इसको आइसोलेट करके प्रॉपर हम यहाँ का सप्लाई इंश्योर करेंगे। और जैसा ही हम यहाँ का सप्लाई अभी एक घंटा है पर लोगों को कम से कम पानी आ रहा है, कहीं पे एक घंटा है कहीं पे उससे भी कम आ रहा है जो आज हमने आपने आंखों देखा है ऊपर के लाइन में, तो प्रॉपर इंटर चेक करके हम उसको पानी बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। बीते 7 सालों से नागरिक परेशान है, अब ये जो समस्या है OCW कब तक हल कर पाएगा, जो टेक्निकल भी इशू चल रहे हैं उसे कब तक हल किया जाएगा ताकि नागरिक जो है राहत की सांस ले पाए? उसको हल करने के लिए हम तो पूरे प्रयत्नशील रहेंगे, बट जब तक हल नहीं होता उसको हम टैंकर से पूरा सप्लाई इंश्योर करेंगे और जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। जैसा आप बोल रहे हैं कि 7 साल से यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, तो मैंने आपको पहले बताया कि ये मिक्सअप पानी सप्लाई चलता था, अब फिर जब कमांड एरिया वाइज काम हो गए तो अब यहाँ का सप्लाई हैम्पर हुआ है, यानी बाकी कमांड एरिया के कंपेरिजन में यहाँ का पानी थोड़ा सा कम है हनुमान नगर कमांड एरिया का, तो इसको हम प्रॉपर करने के लिए अब जैसा आपको बताया कि इंटर चेक करेंगे, सब लाइनें चेक करेंगे, पुरानी लाइनें नई लाइनें, नई लाइन में क्यों पानी नहीं आता उसका हम मुआयना करेंगे और जल्द से जल्द करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक हम टैंकर से उनको पानी सप्लाई प्रॉपर इंश्योर करेंगे। तो जल्द से जल्द नागरिकों की समस्या हल करने का वादा जो है OCW के अधिकारी द्वारा किया गया है, अब देखना होगा कि यहाँ के नागरिकों को पानी कब तक मिलता है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।